नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को पूरी देख लेते हैं पर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, कहानी को सुनने से पहले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम साकेत है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ पटना शहर में रहता हूँ। पापा के जॉब की वजह से बचपन से ही हमें पटना में ही रहना पड़ा। मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई गोलू है और मेरे दादा दादी भी हैं जो कि भागलपुर में रहते हैं। उन्हें शहर की ज़िंदगी पसंद नहीं है, इसलिए दादा दादी हमेशा से ही गांव में ही रहना चाहते थे। गांव में लोगों के रहने का तरीका आज भी बहुत खूबसूरत ही है। लोगों का सबके साथ मिलजुल कर रहना, गांव की शुद्ध हवा, यह सब आजकल शहर में मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। मैं हर साल अपनी स्कूल की छुट्टियों में गाँव जाया करता था। गांव जाने की वजह सिर्फ मेरे दादा दादी ही नहीं बल्कि मेरी पूजा भी थी। हाँ, मेरी पूजा। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था। ये कहानी आज से करीब 10 साल पहले की है, जब मैं 9वीं कक्षा में था। मैं और मेरा भाई गोलू गांव गए हुए थे और वहाँ हम हमारे दादा दादी के साथ बहुत मस्ती करते थे और वहीं पास वाले घर में पूजा रहती थी। पूजा और मैं दोनों ही 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, इसलिए हम दोनों बहुत वक्त साथ में बिताते थे। पढ़ाई की बातें करते थे, स्कूल की बातें करते थे। हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद था और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। इसी तरह एक दिन मैं और पूजा गाँव में घूमने के लिए निकले थे। वहाँ एक छोटा सा पार्क था और वहाँ बहुत सारे बेंचेस थी बैठने के लिए। मैं और पूजा भी एक बेंच में जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। पूजा बहुत प्यारी लगती थी मुझे। वैसे उस वक्त 9वीं कक्षा में मैं भी बहुत प्यारा था। पूजा और मैं दोनों बेंच पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। मैंने उससे अचानक ही कहा, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो पूजा, आई लव यू। पूजा बिल्कुल शर्मा गई और अपने पैर हिलाने लगी, अपने दुपट्टे के साथ खेलने लगी। उसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। तभी पूजा के हिलते पैर से खट खट की एक आवाज़ आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। जिस बेंच पर मैं और पूजा बैठे थे, उस बेंच के नीचे एक मिट्टी का मटका था जो हल्के गुलाबी रंग का था। उसमें अच्छी सी आकृति बनी हुई थी। मैंने उस मटके को बेंच के नीचे से उठाया और मैं और पूजा बड़े ही उत्साह से उस मटके को देखने लगे। उसमें हल्की हल्की सी दरारें थी जो पूजा के पैरों से हुई थी। मटके के ऊपर एक काला कपड़ा लगा हुआ था जिसमें दो लाल लाल आँखें बनी हुई थी। उस बंद मटके को देखकर पूजा को उसे खोलने का बहुत मन होने लगा। पूजा जल्दी से उस मटके के ऊपर लगा हुआ कपड़ा हटा देती है और फिर एक काला साया उस मटके से निकलता है, जिसे देखते ही पूजा एकदम से उस बेंच पर बैठे बैठे ही गिर जाती है और मैं आश्चर्यचकित के साथ उस काले साये को पूजा के अंदर प्रवेश करते हुए देखता रहा। यह सब देख मैं काफ़ी घबरा गया और हम दोनों वापस घर आ गए। घर आते आते हमें शाम के 5 बज गए थे। गांव में वैसे भी जल्दी शाम हो जाती है। मैंने घर पहुँचते ही यह सारी बातें अपने दादा दादी को बता दी। दादा तो मुझे डांटने ही लगे कि तुम दोनों उस पार्क में क्यों गए थे और मटका वगैरह क्यों उठाए, पर दादी ने मुझे समझाते हुए कहा, अभी जाओ बेटा, तुम आराम करो, कल सुबह बात करते हैं। दादी के चेहरे पर साफ साफ परेशानी झलक रही थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गया सोने के लिए। अगली सुबह मैं उठते ही पूजा से मिलने निकल गया। पूजा अपने कमरे में नहीं थी। मैं उसे पूरे घर में ढूँढने लगा पर वो मुझे कहीं मिली नहीं। फिर मैंने उसकी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि पूजा बगल वाले मक्के के खेत में है। फिर मैं भी मक्के के खेत में उससे मिलने चला गया। वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा कि पूजा की आंखें एकदम लाल लाल हो रखी हैं और वो खुद से ही कुछ कुछ बातें कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे आवाज़ लगाई, पूजा, तो वो मुझे घूरने लगी और तेज़ी से मेरे पास आई और मेरा गला दबाने लगी।
पूजा का ये रूप देखते ही मेरी रूह कांपने लगी। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझसे पूजा की ये हालत ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने जोर जोर से पूजा को आवाज लगाई तो वो होश में आई, और पूजा के होश में आते ही उसने मुझसे पूछा, साकेत हम यहाँ खेत में क्या कर रहे हैं। वो मुझसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ है पूजा के साथ। मैं चुपचाप पूजा को खेत से वापस घर लेकर आ गया, और घर पहुंचते ही मैंने दादी को सब कुछ बताया। फिर कुछ वक्त बाद दादी, मैं और पूजा एक तांत्रिक के पास गए। वहां तांत्रिक पूजा को देखते ही समझ गए और वो अपनी आँखें बड़ी करते हुए बोलते हैं, ये तो एक श्रापित जिन है। श्रापित जिन वाली बात सुनते ही दादी के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल सा गया। फिर हमने तांत्रिक से कहा कि उस जिन से पीछा छुड़वा दो हमारा। तो तांत्रिक ने जिन को पूजा के शरीर से बाहर निकाला और उससे सवाल किया, तो जिन ने कहा, मैंने एक बार एक सुहागन के शरीर में प्रवेश करके उसके साथ गलत हरकत की थी, इसलिए उस सुहागन औरत ने मुझे श्राप दे दिया, और एक तांत्रिक ने मंत्रों की शक्ति से मुझे मटके में बंद कर दिया था। पर आज इस लड़की पूजा की वजह से मैं मटके से आज़ाद हो गया हूँ। पर मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, और ना ही मैं इसके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ, क्योंकि उस सुहागन के श्राप से मैं अभी तक आज़ाद नहीं हुआ हूँ। जिनकी बातें सुनकर हमें बहुत राहत मिली कि पूजा ठीक है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फिर तांत्रिक ने मंत्रों के उच्चारण से फिर से उस श्रापित जिन को कैद कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको पहली कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। आज की कहानी सुनकर आप सभी का दिल दहल जाएगा दोस्तों। वो चार दोस्त राहुल, तन्मय, किशोर और निहारिका, जब भी उन्हें ऑफिस से वीकेंड मिलता, वो सभी निकल पड़ते भूतिया सुनसान जगहों पर घूमने। सुनसान जंगल हो या कोई भूतिया रोड, किसी भी जगह उन्हें ये पता चलता कि यहाँ भूत का वास है, बस वो निकल पड़ते अपना कैमरा लिए, ताकि वो लोगों को यकीन दिला सके कि कोई भूत वूत होता ही नहीं है। उन्होंने एक YouTube चैनल भी खोल रखा है, जिससे वो जिस जगह घूमकर आते उसका वीडियो डालकर लोगों को भूत प्रेत या चुड़ैल की मनगढ़ंत जगहों को और कहानियों की असली सच्चाई दिखाते हैं। आज तक उन्होंने कई ऐसे भूतिया जगहों पर जाकर रात बिताई थी, पर अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भूतिया अनुभव नहीं हुआ। इस बार उन्होंने एक हॉन्टेड रास्ते के बारे में सुना, जो एक कच्चा रास्ता था। देवदार गांव से लेकर नदी गांव तक का वो करीब 60 किलोमीटर का सुनसान जंगल से जाता रास्ता था। गांव के लोगों ने उस कच्चे रास्ते से जाना बंद कर दिया। कहते थे कि उस रास्ते पे जो भी गया वापस नहीं आया। फिर क्या था, जब इन चारों को इस बात का पता लगा, ये लोग निकल पड़े। शनिवार की शाम वो सभी कार में देवदार गांव पहुंचे। मोहन पान वाले से उन्होंने उस कच्चे रास्ते का पता पूछा। राहुल, सुनो, वो भूतिया कच्चा रास्ता गांव के किस ओर से जाता है? मोहन बोला, भैया मरने की जल्दी है क्या? उस रास्ते का नाम भी मत लो, अशुभ माना जाता है। किशोर बोला, अरे हमने बस ऐसे ही पूछा, हम तो हाईवे से जाने वाले हैं। ये तो हमने किसी से सुना कि कोई भूतिया रास्ता है, इसलिए आपसे पूछ लिया। जरा सबके लिए अपना बढ़िया वाला पान तो बनाओ। किशोर ने सबको इशारे से एक आंख मारी। मोहन, हाँ भैया, पान तो हमारा मशहूर है। तन्मय बोला, इसलिए तो हम यहाँ खाने आए हैं। वैसे कहाँ है वो रास्ता? मोहन बोला, ये गांव से निकलने के बाद दाई और पंचायत का ऑफिस है, उसके ठीक पीछे आगे जाने पर वो रास्ता लगता है, पर आप सभी सीधे जाइए हाईवे से। उन्होंने इधर उधर की बातें की। रात तक वो गांव के आसपास ही घूमते रहे। रात होने पर गांव के राहगीरों का आना बंद हो गया। बस फिर उन्होंने अपनी कार पंचायत ऑफिस के पीछे ले गए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया।
गांव वालों ने रास्ते के बीच में कुछ झाड़ियां रख दी थी। एक बोर्ड भी लगाया था, खतरा है आगे मत जाना। उन्होंने चुपके से वो झाड़ियां हटाई, कार उस रास्ते से आगे ले जाने लगे। रात की वो भयंकर शांति थी, कीड़ों की भयानक आवाजों से गूंज रही थी। तन्मय कैमरे से आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। कार की हेडलाइट के अलावा सब कुछ अंधेरे के साम्राज्य में डूबा हुआ था। कार धीरे धीरे उस रास्ते से आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही गाड़ी चला रहे राहुल ने ब्रेक मारा। अचानक ब्रेक लगने से सबकी धड़कनें अचानक से बढ़ गई। उन्होंने हेडलाइट की रोशनी में देखा, दो सिर वाला काला अद्भुत सांप रास्ते के दूसरी ओर जा रहा था। तन्मय ने उसे भी वीडियो में कैद कर लिया। निहारिका बोली, प्रकृति की ये अद्भुत भेंट आज हमें देखने को मिली, पर पता नहीं आज पहली बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। किशोर बोला, हाँ ऐसा लग रहा है मानो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तन्मय बोला, तुम भी ना दोस्तों, हम भूतिया जगहों का पर्दाफाश करते हैं, तुम लोग तो खुद ही डरने लगे। राहुल गाड़ी आगे लो। जैसे ही राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे ली, वैसे ही फिर उसने जोरों से ब्रेक मारी। सभी ने राहुल की तरफ देखा, उसके पसीने छूट रहे थे। निहारिका बोली, क्या हुआ राहुल, अब क्यों रोक दी? राहुल बोला, वो तुम लोगों ने देखा? तन्मय बोला, हम तो हमारी बातों में व्यस्त थे, हुआ क्या? राहुल बोला, ऐसा लगा मानो सामने कोई साया खड़ा था, अचानक ही गायब हो गया हो। तन्मय बोला, अरे यार ये तुम सभी आज कैसा व्यवहार कर रहे हो, अभी तो सफर शुरू किया है, किसी को अजीब लग रहा है तो किसी को साया दिख रहा है, चुपचाप आगे बढ़ो, पूरा रास्ता रिकॉर्ड करके घर भी जाना है, चलो आगे। कार फिर आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद तन्मय, जो कैमरे से बाहर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, अचानक ही डर से कांप उठा। उसे कुछ पेड़ों के पास उल्टे लटके हुए कुछ शव नजर आए, जिनकी घूरती हुई आंखें उसे ही देख रही थी। अचानक ही सब गायब हो गए। तन्मय भी डर चुका था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आंखों का धोखा मान वो चुपचाप ही रहा। वो बता देता तो सभी वापस वहीं से चले जाते। आगे बढ़ने के लिए उसने अपना मुंह बंद ही रखा। तन्मय बोला, रुको रुको राहुल, सभी नीचे उतरो, मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ नजर आया, वहां देखो हवेली जैसा कुछ है। वो सभी कार के नीचे उतर कर तन्मय के साथ टॉर्च लिए आगे बढ़ने लगे। कुछ पेड़ों को पार करते ही उन्हें इस जंगल में एक सुनसान हवेली नजर आई। सुनसान पड़ी वो हवेली को जंगली बेलों के साम्राज्य ने अपने आगोश में ले लिया था। बाहर से भी वो काफी भयंकर दिखाई देती थी। तन्मय बोला, चलो इस हवेली में चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। राहुल बोला, हाँ देखते हैं ये हवेली यहाँ इस सुनसान जंगल में कैसे। निहारिका बोली, पता नहीं पर मुझे लगता है हमें इस हवेली में नहीं जाना चाहिए, कुछ अजीब सा डरावना एहसास हो रहा है। किशोर सबके आगे खड़े रहकर कब से अपनी टॉर्च से हवेली को देख रहा था, तभी बुरी तरह कांपते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे हवेली के ऊपरी एक कमरे की खिड़की पर खड़ी कोई महिला नजर आई, जो लाल साड़ी में सजी थी। जब उसने फिर से टॉर्च उस तरफ घुमाई, उस खिड़की पर अब कोई नहीं था वहां पर। निहारिका बोली, क्या हुआ किशोर, इतने कांप क्यों रहे हो? किशोर बोला, वहां ऊपर की मंजिल की खिड़की पर कोई महिला खड़ी गुस्से से मुझे घूर रही थी, फिर से देखा तो अब वहां नहीं है कोई। तन्मय बोला, लगता है कोई रहता होगा हवेली में, तुम फालतू ही डर रहे हो, तुम्हारी आंखों का धोखा होगा, चलो अंदर चलते हैं, हम लोगों को बताते हैं भूत प्रेत नहीं होते और तुम लोग ही खुद डर रहे हो। हवेली के बाहर कुछ जानवरों की हड्डियां भी पड़ी हुई थी। वो सभी आगे बढ़े। हवेली का विशाल दरवाजा मकड़ी की जालों से भरा पड़ा था। उन्होंने वो दरवाजा खोला, उस दरवाजे की भयानक आवाज उस पूरे हवेली में गूंज उठी। हवेली काफी बड़ी और 5 मंजिला थी। सभी मंजिल में 10-12 कमरे भी बने हुए थे। हर जगह मकड़ी के जाल थे। निहारिका बोली, अजीब है, इतनी बड़ी हवेली और किसी का नामो निशान भी नहीं।
राहुल बोला, हाँ किसी राजा महाराजा की लगती है। वहाँ कुछ पेंटिंग से बनाई तस्वीरें भी लगाई गई थी। वहाँ कुछ लोगों की तस्वीरें थी जिनके ऊपर कुछ कीड़े रेंग रहे थे। तन्मय बोला, हर एक मंजिल पर जाकर चेक करते हैं, तुम बाकी अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करना। हम सभी एक मंजिल पर अकेले जाएंगे ताकि काम जल्दी पूरा हो जाए। हमें बताना है लोगों को कि इस रास्ते और इस हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। सभी एक एक मंजिल पर चले गए। पहली पे किशोर, दूसरी पे तन्मय, तीसरी पे राहुल, चौथे मंजिल पे निहारिका, पांचवी पर वो सभी साथ जाने वाले थे। एक अजीब सी बात थी, हर एक मंजिल की सीढ़ियों पे दरवाजे लगे हुए थे। मतलब दूसरी मंजिल या उसके ऊपरी मंजिल पर जाने पर दरवाजा खोलना पड़ता था। सभी कमरों को तलाशने लगे। किशोर को सबसे लास्ट वाले कमरे से रोने की भयानक आवाज़ सुनाई दी। वो टॉर्च लिए आगे बढ़ा। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसे अंधेरे में उस कमरे में रोती एक महिला नजर आई। सिर नीचे झुकाए लाल साड़ी पहने हुए वो औरत रोई जा रही थी। किशोर के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो आगे बढ़ा। किशोर बोला, कौन हो आप, क्यों रो रही हो? औरत बोली, मेरे हवेली में कोई घुस आया है। वो जोर जोर से रोने लगी। इस बार उसके रोने की आवाज़ सबको सुनाई दी। सभी अपनी मंजिल से नीचे आने लगे। पहले खुल गए वो मंजिल के दरवाजे, अपने आप बंद हो गए। उन्होंने कई कोशिश की पर वो नहीं खुले। वो उन मंजिलों पर ही फंस चुके थे। किशोर बोला, कौन घुसाया है आपकी हवेली में? औरत बोली, तुम सभी। उस औरत ने अपना सिर ऊपर किया। वो वही औरत थी जिसे किशोर ने ऊपरी मंजिल की खिड़की पे देखा था। अब उसका असली रूप देख वो बुरी तरह कांप उठा। लाल साड़ी पहने हुए, घुटनों तक आते लंबे बाल जो हवा में उड़ रहे थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ, माथे पे काली बिंदी, बड़ी नथनी पहने हुई, आंखों से खून निकलता हुआ, उसका सिर चारों ओर घूमने लगा। वो चीखने लगी। वो रो रही थी, वो गुस्से में थी। औरत बोली, आज तुम सभी मरोगे। इस हवेली में आने की हिम्मत कैसे हुई? वो हवा में उड़ी, अपने बड़े बड़े नाखून खोलकर किशोर पर टूट पड़ी। किशोर की चीखें उस हवेली में गूंज उठी। उसकी चीखें सुनते ही सभी बुरी तरह से कांप उठे। उसने किशोर को मार दिया। वो अब भी जोरों से रोए जा रही थी। उसने मुंह से भयानक भरी जबान बाहर निकाली। किशोर का खून उस जबान पर चख उसे पीने लगी। तभी किशोर का मरा हुआ शरीर हवेली में चारों ओर उड़ने लगा। उसका मेरा शरीर देखते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके आंसू भी निकल आए। तभी अचानक से किशोर का पूरा शरीर फट गया। उसके शरीर का सारा रक्त उन हवेली की दीवारों पर जाकर बस गया। कुछ रक्त की बूंदें उन तीनों पर भी आकर गिर पड़ी। तभी वो औरत चिल्लाई। औरत बोली, मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे की? आज तुम सभी का यही हाल होगा। वो तीनों पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, नीचे जाने का रास्ता खोजने लगे। तभी तन्मय ने देखा, नीचे जाने का मंजिल का दरवाजा खुल गया। वो जैसे ही दरवाजे के पास गया, दरवाजे के पीछे खड़ी वो चुड़ैल औरत उसे दिखाई दी, जो उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तन्मय का सिर पकड़ा और उसे गर्दन से उखाड़ दिया। खून की बौछारें उस चुड़ैल औरत के शरीर पर गिर गई। वो पूरी तरह रक्त से भर गई। राहुल ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। डर से कांपते हुए, पसीने से तरबतर, दिल की धड़कनें तेज की, तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। वो चुड़ैल औरत अंदर दाखिल हो चुकी थी। तभी उस चुड़ैल ने आधे सड़े वाले चेहरे की एक आंख उसके तरफ डाली। राहुल इतना ज़्यादा डर गया कि उसके दिल की धड़कनें अपने आप ही बंद हो गई। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उस चुड़ैल ने उसका मांस नोच लिया। अब बस निहारिका बची हुई थी। उसका मरना भी निश्चित था। वो अपनी बची हुई ताकत से फिर नीचे जाने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसने देखा कि ऊपर पांचवी मंजिल का दरवाजा खुला हुआ था। वो पांचवी मंजिल पर आ पहुंची। हर तरफ मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। तभी उसे नीचे की सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ें आने लगी। शायद वो वही चुड़ैल थी जो अब निहारिका को मारने ऊपर आ रही थी।
निहारिका अब रोने लगी थी। वो भी मरने वाली थी कि अचानक उसे पास ही एक कमरे से टक 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 आवाज सुनाई दी। फिर उसे कुछ आवाज आई, वो उस कमरे के पास गई। उस कमरे के दरवाजे को काले धागों से और काली बिल्लियों की लटकाई माला से बंद किया गया था। उसे अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, खोलो दरवाजा खोलो। ये सुन निहारिका और भी ज्यादा घबरा गई। तभी उसने देखा वो भयंकर चुड़ैल सीढ़ियों से ऊपर उसे खोजते हुए वहां आ पहुंची। गुस्से से घूरती हुई उसके नजदीक आने लगी। तभी निहारिका ने वो धागों का दरवाजा खोला और अंदर कमरे में आ गई। उसे सफेद कपड़ों में सज नीली पगड़ी पहने हुए किसी आदमी की आत्मा दिखाई दी। उस आदमी की आत्मा ने एक पेटी की तरफ इशारा किया। निहारिका ने देर ना करते हुए उस पेटी को खोला। उसमें सफेद माटी से भरा लोटा रखा हुआ था। उस पेटी के पास ही किसी की हड्डियां पड़ी हुई थी। उस हड्डी के हाथ में एक सोने का कड़ा था। उसी जैसा कड़ा उस आदमी की आत्मा ने भी पहना दिखाई दे रहा था। वो हड्डियां शायद उसी आदमी की थी। तभी चुड़ैल औरत वहां आ पहुंची। गुस्से से भरी नजर उस आदमी पे डाल चिल्लाई। चुड़ैल बोली, तू मुझे नहीं मार सकता नरेंद्र। उसने कुछ काली शक्तियों से उस आदमी की आत्मा को जकड़ लिया। तभी वो निहारिका की तरफ मुड़ी और उसे मारने आगे बढ़ी। नरेंद्र ने इशारे से सफेद माटी उस पे फेंकने का इशारा निहारिका को किया। निहारिका ने देर ना करते हुए वो माटी उस पे फेंक दी। वो गिरते ही वो चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगी, वो जलने लगी। निहारिका तेजी से नीचे भागी। सभी मंजिल के दरवाजे खुल चुके थे। वो चुड़ैल दर्द से चिल्लाते हुए भी उसके पीछे आ रही थी। निहारिका हवेली से बाहर निकल आई। कार के पास पहुंच उसने कार स्टार्ट की। उसने देखा वो चुड़ैल अब भी दर्द से चीखती हुई और जलती हुई उसे दूसरे मंजिल की खिड़की से अपने पास बुला रही थी। निहारिका ने गाड़ी तेज चलाई और उस कच्चे रास्ते से बाहर निकल आई। वो बच गई, पर उसके दोस्त मारे गए। कुछ दिनों बाद छानबीन से उसे पता चला उस हवेली के बारे में। नरेंद्र सावकार की वो हवेली थी, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, पर उनकी दूसरी पत्नी जयंती काली शक्तियों का प्रयोग करती। उसने नरेंद्र के पहले पत्नी के बच्चे तक को मार दिया। जब नरेंद्र को इसका पता लगा तो उन्होंने जयंती को जिंदा जला दिया उसी हवेली के बाहर। कुछ दिन बाद हवेली के सेवकों की मौत होने लगी। कोई चुड़ैल उन्हें मार रही थी। नरेंद्र को पता था कि ये आत्मा बनकर जरूर वापस आएगी, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक से उसे मारने के लिए एक मंत्रों की सफ़ेद माटी ले ली थी। फिर निहारिका को आगे की बात समझ आ गई कि उसकी काली शक्तियों से वो खतरनाक चुड़ैल बन वापस आई। नरेंद्र उसे मारता, उससे पहले ही उसने नरेंद्र को उसके पांचवें मंजिल पर एक कमरे में मार दिया। उस कमरे को अपनी काली शक्तियों से बंद कर दिया ताकि नरेंद्र की आत्मा वहीं कैद रहे, जिसे निहारिका ने खोल दिया था। उस भयानक कच्चे रास्ते पर भी जहां वो हवेली मौजूद थी, कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे वो पूरा कच्चा रास्ता एक शापित शैतानी दुनिया का बन चुका था। इसलिए कोई वहां जाना नहीं चाहता था। उनके दिलो दिमाग में भी उन शैतानी शक्तियों की मौजूदगी का एहसास हुआ था जब वो उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, पर अपने मन के विरुद्ध जाकर इन्होंने उन शक्तियों को छोड़कर अपनी मौत को दावत दी थी। अपने दोस्तों के मरने के बाद निहारिका ने वो सब काम छोड़ दिए। उसे नहीं पता वो चुड़ैल सचमुच में ख़त्म हुई या नहीं। वो कभी उस तरफ जाना नहीं चाहती। वो उस रात को याद कर आज भी कांप जाती है। उसे आज भी उस चुड़ैल के भयानक सपने आते हैं, जहाँ उसे वो चुड़ैल अब भी उस भयानक हवेली में अपने पास बुला रही है। दोस्तों, कहानी बस इतनी ही थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए डेली लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।